हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग बात करेंगे एक मूवी के बारे में जिसका नाम है शार्क बेट। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कुछ दोस्तों को जो कि एक बीच में पार्टी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक जोड़े को जो कि किस कर रहे होते हैं। उनमें से लड़की का नाम नेट है और लड़के का नाम टॉम। फिर हम वहाँ पे एक लड़की को भी देखते हैं जो दारू पी के बेतहाशा डांस कर रही होती है और उसका नाम मिली है। तभी मिली आती है नेट के पास और कहती है कि चलो मेरे साथ डांस करो, तो वो दोनों डांस करते हैं। उसी वक्त नेट का बॉयफ्रेंड टॉम मिली को घूरता है और मिली भी टॉम को घूरती है। फिर वहाँ पे और दो दोस्त भी आते हैं जिनमें से एक का नाम टॉयलर है और दूसरे का नाम ग्रेक। फिर सब लोग मिल के गोल करके खड़े होके दारू पीते हैं। फिर नेट वहाँ से थोड़ा दूर आती है और दूर आके वहाँ से अपने घर में कॉल लगाती है, जहाँ पे वो अपने माँ से कहती है कि आई मिस यू मॉम एंड आई कांट वेट टू सी यू। तभी नेट के पास एक भिक्षु आता है और उससे कुछ पैसे मांगते हैं। नेट उसे कुछ पैसे देती है, लेकिन तभी नेट नोटिस करती है कि उसके दोनों पैर नहीं है। नेट उससे पूछती है कि आपके पैर के साथ क्या हुआ, तो भिक्षु कहता है कि उसके दोनों पैर को शार्क ने खा लिया है। और इसी के साथ भिक्षु कहता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त भी थोड़ा सावधान रहो। तभी वहाँ पे टॉम और बाकी दोस्त आते हैं और नेट को अपने साथ लेकर जाते हैं। दूसरे दिन सुबह वो सभी जाते हैं समुद्र किनारे, जहाँ पे वो लोग हाथ में बियर्स की बॉटल्स लेते हैं और वहाँ पे बियर्स पीते पीते घूमते हैं। फिर अचानक से ग्रेक का नजर पड़ता है वहाँ मौजूद जेट स्कीज के ऊपर, तो वो बाकियों को जेट स्कीज दिखाता है। तभी टॉम और टॉयलर जाता है जेट स्कीज की टिकट्स लेने, लेकिन वो वहाँ जाके देखता है कि काउंटर बंद है। वो लोग देखते हैं कि उसके दरवाजे में ताला लगा हुआ है, तो टॉयलर एक फावड़ा लाता है और उससे ताला को तोड़ के वो लोग अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो लोग जेट स्कीज की चाबियाँ ढूंढते हैं और चाबियाँ मिलने पर वो लोग जेट स्कीज पर जाके बैठ जाते हैं। स्कीज पे चढ़ने के बाद ग्रेक नेट से कहता है कि हमारे स्की पे और थोड़ा जगह है, तो नेट तुम भी हमारे साथ चलो। तो नेट भी उनके साथ शामिल हो जाती है और वहाँ से सब लोग निकल पड़ते हैं। फिर वो स्कीज को चलाते हैं और चलाते चलाते बहुत मजे भी करते हैं। वो लोग सभी पिए होते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं उन्हें भी पता नहीं होता। वो लोग अपने अपने स्कीज को मोड़ते हैं और मोड़ के एक दूसरे की ओर आते हैं, जिससे कि एक स्की से वो लोग दूसरे स्की पर पानी छिड़क सके। जब वो लोग इसे पहली बार करते हैं तो उन्हें बहुत मजा आता है, तो वो लोग कहते हैं कि फिर से और एक बार करेंगे। लेकिन जब दूसरी बार वो लोग करते हैं तो एक स्की दूसरे से टकरा जाता है, जिससे कि वो सभी पानी में गिर जाते हैं। इसी दौरान ग्रेक बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ग्रेक का पैर का हड्डी टूट के ग्रेक के पैर से बाहर आ जाता है और ग्रेक पानी पे गिरने पर ग्रेक का खून पानी में चारों ओर फैल जाता है। वो लोग देखते हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद उनका दूसरा बोट पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है और वो पानी में डूबने ही वाला है। फिर चारों एक जगह पे उस बचे हुए बोट के पास इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे टॉयलर मौजूद नहीं है, तो सभी टॉयलर को पुकारते हैं। तभी सभी लोग देखते हैं कि टॉयलर उस दूसरे बोट के पास पानी में फ्लोट कर रहा होता है और उसके सिर में चोट लगा होता है। तभी टॉम उसके पास जाता है और टॉयलर को अपने साथ लेकर आता है। फिर पांचों ही उस बचे हुए बोट के पास इकट्ठे होते हैं और सभी ग्रेक को उस बोट के ऊपर उठाते हैं। उसी वक्त सभी देखते हैं कि ग्रेक का पैर का हड्डी पूरी तरीके से बाहर आ चुका है, तो सभी ग्रेक का मरहम पट्टी करते हैं। बोट के ऊपर तीन जन से ज्यादा आदमियों का जगह ना होने के कारण मिली और टॉयलर पानी में ही रहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे वो लोग दारू का बॉटल, जूता और मोबाइल्स रखे थे, वहाँ पे एक लहर आके उनको पानी में लेकर जाता है, जिससे कि कोई जान भी नहीं पाता कि वो लोग पानी पर गए हैं। फिर सभी लोग वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कैसे इस मुश्किल से बच के निकले। तभी टॉम और नेट कहते हैं कि वो लोग ग्रेक को लेकर जाएंगे उस बचे हुए स्कीज से और फिर बाकियों को लेने वापस आएंगे। इसी बात पे मिली और टॉयलर राजी हो जाते हैं। तभी स्की को स्टार्ट करके टॉम वहाँ से निकलने ही जाता है, तो वो देखता है कि स्की स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर सभी और ज्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। फिर वो सभी सोचते हैं कि वो स्की का डिक्की को खोलेंगे और स्की को ठीक करके वहाँ से निकलेंगे, लेकिन इसके लिए ग्रेक को उस डिक्की से उतरना पड़ेगा। तो सभी ग्रेक को पानी में झुलाए रखते हैं और वो सभी स्की का डिक्की को खोलते हैं। टॉम वहाँ की कुछ मरम्मतें करके नेट को फिर से स्की को स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो स्की स्टार्ट नहीं होता। तो वो सब स्की का डिक्की को बंद करके ग्रेक को फिर से स्की के ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर नेट टॉम की फोन से सूरज के किरण को रिफ्लेक्ट करके समुद्र किनारे मौजूद आदमियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नेट ऐसा करते करते अचानक से वो टॉम का मैसेंजर खोलती है, जिससे कि वो शॉक रह जाती है। वो मैसेंजर खोलने पर वो जान पाती है कि मिली और टॉम कल रात को एक साथ सोए थे और मिली ने वो फोटोज टॉम से शेयर भी किया है। अचानक से टॉम देखता है कि नेट उसका फोटोज देख रहा है, तो नेट से वो उसका फोन छीनने की कोशिश करता है, जिससे कि फोन पानी में गिर जाता है। फिर टॉम पानी के अंदर तैर के जाता है और उस फोन को लेकर आता है। मिली ये सब के लिए सॉरी भी कहती है, लेकिन नेट बहुत गुस्से में रहती है। मिली नेट से कहती है कि वो बहुत ड्रिंक की हुई थी, तो उसे पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, अगर हो सके तो उसे माफ कर दे। तभी अचानक से टॉयलर कहता है कि क्या तुम लोगों ने देखा था, जब हम लोग स्कीज से आ रहे थे तब वहाँ पे एक नाव भी था।
तभी टॉयलर कहता है कि अगर वो उस बोट तक पहुंच पाए तो उनकी जान भी बच सकती है। तो टॉयलर पानी में तैर के उस बोट की ओर निकल पड़ता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ मौजूद उनका दूसरा स्की भी पानी में डूब जाता है। टॉयलर तैरते हुए उस नाव की ओर जाने की कोशिश करता है कि तभी मिली देखती है कि टॉयलर के पीछे एक शार्क है। तभी अचानक से वो लोग देखती है कि वो शार्क गायब हो जाता है और अचानक से उनके बोट के पास आ जाता है, जिससे कि टॉम डर जाता है और डर के उस की पर चढ़ने की कोशिश करता है, जिससे कि सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। मिली को तैरना नहीं आता, उसलिए टॉम मिली को उठा के उस की के ऊपर रख देता है और नेट ग्रेग को तैराते हुए पानी के ऊपर उठाए रखती है। नेट मदद मांगती है तो टॉम फिर से पानी में कूद के नेट की मदद करने की कोशिश करता है। ग्रेग का पैर कट जाने के कारण ग्रेग का पैर से ढेर सारा खून उसी जगह पे फैल रहा होता है। तभी ग्रेग का पैर का खून को सूंघते हुए वहाँ पे एक शार्क आता है और ग्रेग का पैर को पकड़ के उसे पानी में टांगते हुए लेकर जाता है। इसी दौरान नेट का बाल फंस जाता है ग्रेग के वॉच में, तो नेट भी पानी के अंदर खींचा चला जाता है। बहुत मशक्कत के बाद नेट अपना बाल को छुड़ाने में कामयाब होती है और वो पानी के ऊपर आ जाती है। फिर हम देखते हैं टॉयलर को, जो कि तैरते हुए जाता है उस नाव के पास और वहाँ पे नाव को देखता है। वो तैरते हुए नाव के एकदम करीब पहुंच जाता है कि तभी उसके सामने वो शार्क आ जाता है। टॉयलर पानी के अंदर घुसता है और देखने की कोशिश करता है कि शार्क कहाँ पे है, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाता। तभी अचानक टॉयलर का बगल से वो शार्क आता है और टॉयलर पर हमला करता है। उस हमले में शार्क टॉयलर का पेट का एक हिस्सा खा लेता है। तभी वो पानी के ऊपर आता है और चिल्ला के उस बोट से मदद मांगता है, लेकिन उस बोट का सवारी वहाँ पे गाना सुन रहा होता है, जिससे कि वो कुछ सुन नहीं पाता। तभी वो शार्क टॉयलर के पास फिर से आता है और टॉयलर को पूरा ही खा लेता है। दूसरी तरफ नेट, मिली और टॉम उसकी के ऊपर बैठे रहते हैं। मिली नेट से पूछती है कि क्या टाइम हो रहा है, तो नेट कहती है कि अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। उसी दौरान मिली को बहुत प्यास लगती है, जिससे कि वो समुंदर का पानी पीने जाती है। तभी नेट उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम ज्यादा डिहाइड्रेट होना नहीं चाहते तो इस पानी को मत पियो। तो मिली उस पानी को नहीं पीती। धीरे धीरे दोपहर से रात हो जाता है। वो तीनों बीच समुंदर में उसी बोट पे बैठे रहते हैं और रात में ठंड से थर थर कांपते हैं। तभी उनके बोट के सामने कुछ आवाजें आती है, जिससे कि वो लोग उठ के उस आवाज की ओर देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी उन्हें दूर में एक लाइट दिखाई देता है, जिससे कि वो लोग सोचते हैं कि वहाँ पे एक नाव जरूर से होगा। तो टॉम पानी में उतरता है और पानी में उतर के तैर के उस लाइट की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से पानी में कुछ हिलने पर टॉम डर के फिर से स्की के ऊपर वापस आ जाता है और कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा। तभी नेट खड़ा होती है और कहती है कि मैं वहाँ पे जाऊंगी। तभी वो पानी में उतरती है और उतर के उस लाइट की ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सामने जाने पर वो देखती है कि वहाँ पे कोई नाव नहीं होता है। वहाँ पे एक लाइट पानी के ऊपर तैर रहा होता है और उसके सामने एक लाश पानी के ऊपर तैर रहा होता है। वो वहाँ पहुँच के बहुत डर जाती है और वहाँ से तैर के खुद वापस भी नहीं आ पाती। तभी उसके पास टॉम जाता है और उसे वहाँ से लेकर आता है। फिर सभी उस बोट में रात गुजारते हैं। दूसरे दिन सुबह नेट सबसे पहले उठती है और उठ के समुद्र के पानी से अपना मुंह धोती है। वो अपना मुंह धोती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने से वो शार्क आ रहा होता है। वो शार्क उसके सामने आके उसे खा ही लेता है कि तभी वो देखती है कि वो एक सपना देख रही थी। फिर समुद्र पे देखने पर वो लोग देखते हैं कि वो कल वाला लाश आज उनके सामने आ चुका है। लाश सामने आने पर वो लोग देखते हैं कि वो लाश एक नाव में सवार आदमी का था, जो कि शार्क के हमले से मर चुके हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उस आदमी का नाव का कुछ लकड़ी का टुकड़ा पानी में फ्लोट कर रहा होता है। फिर वो तीनों अपने हाथ से अपने स्की को उस लकड़ियों के सामने लेकर जाते हैं, जहाँ से वो कुछ लकड़ियों को उठाते हैं और अपने स्की को चलाते हैं। उसी वक्त मिली कहती है कि उसे तैरना नहीं आता, तो उसे वो लाइफ जैकेट चाहिए, जो कि वो लाश पहना हुआ है। तो सभी उस लाश से लाइफ जैकेट को उतार के मिली को पहना देते हैं। तीनों उन लकड़ियों को चप्पू की तरह यूज करते हैं, जिससे कि वो अपने स्की को तैरा के समुद्र किनारे जाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक उनके बोट के सामने वो शार्क आता है और टॉम के पैर में काट लेता है। नेट टॉम के पैर में कपड़ा बांध देता है, जिससे कि टॉम का खून का बहाव रुक जाता है। फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें वहाँ से निकलना है तो उन्हें स्की को ठीक करना पड़ेगा। फिर वो लोग स्की का डिक्की को खोलते हैं और खोल के इंजन का ढक्कन हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैम होके वहीं पे फंसा रहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो शार्क उनके बोट की चारों ओर घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते वो शार्क उनके बोट के बहुत सामने आ जाता है। तभी अचानक वो शार्क गायब हो जाता है और कोई उस शार्क को देख नहीं पाता, लेकिन तभी वो शार्क स्की के नीचे से हमला करता है, जिससे कि स्की में मौजूद
जो सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी वो शार्क टॉम पर हमला करता है और टॉम का आधा शरीर खा लेता है। तभी नेट टॉम के पास जाती है और वहाँ पे जाके टॉम को बचा के नेट स्की के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन वहाँ पे मिली को तैरना नहीं आता, इसलिए वो लाइफ जैकेट पहन के पानी में डुबकी खाती रहती है। वो तैरते हुए स्की के पास वापस आने की कोशिश करती है और बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पे शार्क आके उसका आधा शरीर को खा लेता है, जिससे कि मिली का वहीं पे मौत हो जाता है। ये देखकर नेट उसे पानी में ही छोड़ देती है और कुछ ही देर में उसका शरीर को शार्क पानी के अंदर डुबा देता है। फिर नेट घायल टॉम को लेकर उसी स्की में बैठी रहती है और कहती है कि वो कैंसर्स की लड़की है और वो हारना नहीं जानती, और टॉम को भी अपना हौसला रखने के लिए कहती है। वो फिर से स्की का डिक्की को खोल के वहाँ से इंजन का ढक्कन को हटाने की कोशिश करती है और इस बार कामयाब हो जाती है। इंजन का ढक्कन हटाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ का एक पाइप टूटा हुआ है जहाँ से सारा फ्यूल बाहर आ रहा है। तभी नेट का नजर पड़ता है वहाँ मौजूद एक लाइफ जैकेट के ऊपर जो कि मिली ने पहना था। फिर नेट अपने साथ एक धारदार औजार लेती है और उसे लेकर वो पानी में उस लाइफ जैकेट को लाने निकल पड़ती है। नेट उस लाइफ जैकेट के पास पहुंचती है और वहां पहुंच के लाइफ जैकेट का जो हवा देने का जगह रहता है उसे वो अपने साथ लेती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने से वो शार्क आ रहा होता है। तभी वो अपने पास मौजूद वो धारदार औजार लेती है और शार्क पर हमला करती है, लेकिन हम देखते हैं कि नेट गायब हो चुकी होती है। लेकिन अचानक से नेट स्की के ऊपर आती है तो हम देखते हैं कि नेट के हाथ में चोट लगा है, लेकिन वो बच के वापस आ गई है। वो स्की में वापस आके उस इंजन के पाइप को ठीक करने की कोशिश करती है। वो उस लाइफ जैकेट का हवा देने का पार्ट को लेती है और उसे तोड़कर दो पाइप को ज्वाइंट कर देती है, जिससे कि पहली बार में तो स्की स्टार्ट नहीं होता लेकिन दूसरी बार में स्टार्ट हो जाती है। फिर वो दोनों वहां से किनारे की ओर निकल पड़ते हैं। वो दोनों किनारे की ओर जाने की कोशिश करता है कि तभी उनका पीछा शार्क भी करता है और पीछा करते करते उनका बोट का एक हिस्सा को काट के तोड़ देता है, जिससे कि उनका स्की और आगे नहीं बढ़ता और पानी में डूबना शुरू हो जाता है। वो शार्क भी वहाँ पे मौजूद होके उनका डूबने का इंतजार करता है। तभी टॉम उठ के नेट को आई लव यू कह के पानी में छलांग लगा देता है, जिससे कि स्की का वजन कम हो जाए और स्की पानी में ना डूब के फिर से स्टार्ट हो जाए। टॉम पानी में छलांग लगा देने से शार्क वहाँ पे आता है और टॉम को खा लेता है। फिर नेट अकेला ही उस की को लेकर सैड होके बीच की ओर निकल पड़ता है। वो उस की को चलाते रहती है और चलाते चलाते जाके एक किनारे के सामने पहुंचती है। वो स्की को चलाते हुए किनारे पर पहुंच नहीं जाती है कि तभी उसका स्की बड़े बड़े पत्थरों में लगकर पलट जाता है, जिससे कि नेट भी पानी में गिर जाती है। तभी वो शार्क भी नेट को फॉलो करते हुए उसकी ओर आती है। नेट बहुत कोशिश करती है कि वो किनारे तक पहुंच जाए लेकिन वो पहुंच नहीं पाती। तभी वो देखती है कि वो शार्क उसकी ओर तेजी से भागा चला आ रहा है। वो शार्क नेट को पकड़ ही लेता कि तभी वो शार्क दो पत्थरों के बीच में फंस जाता है, जिससे कि नेट को वहां से भाग के निकलने का वक्त मिल जाता है। उसी वक्त नेट तेजी से किनारे की ओर तैरती है और वो किनारे पर पहुंच जाती है। वो किनारे में पहुंच के किनारे पर सोती है और बहुत खुश होती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो पैदल ही उस बीच से निकलती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियोस देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।